माओ माओ ये मुझे कह रहे थे यार 18 की रेटिंग कौन मारता है भाई? कौन से सवाल है जो आपको बेजार कर देता है? वजन कैसे कम किया आपने? अच्छी मरते कैसे मुझे क्या पता? सिर्फ स्क्रिप्ट चल रहा है। मैं ना एक अजीब से चलता हुआ एक लड़का ही हूँ ना। क्या तो जमीन खुल जाए, आसमान खुल जाए, कुछ तो मैं गायब हो जाऊँ। मैं आपके शो में बहुत दफा आ चुका हूँ। ना करे जी, तब मेरी शेप भी नहीं थी। मेरी भी नहीं थी। मेरे पास आज जो गेस्ट मौजूद है वो अगर हम कहा जाए कि टैलेंट का खजाना है तो गलत नहीं होगा। वो पहले आरजे रही, वीजे रही, होस्ट रही, वॉइस ओवर आर्टिस्ट रही, मतलब उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। और फिर उन्होंने जो रही सही कसर थी, अच्छा उन्होंने हमने उन्हें एक्टिंग करते हुए देखा था, लेकिन अब जो उन्होंने इस बार कर दिया ना वो ये था कि ऐसा लग रहा था कि उन्होंने ना अब तक जिंदगी में ये चीज़ संभाल के रखी हुई थी। जब चांस होते हैं कहते हैं जब चांस मिलेगा ना फिर देखना, तो उन्होंने फिर ऐसा दिखाया हमें कि हम सिर्फ देखते ही जा रहे हैं, रेटिंग्स के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, बाकायदा इन्होंने ना हथौड़ियाँ मारी रेटिंग पर और ऐसे स्टैंडर्ड सेट कर दिए कि जो अगले आने वाले ड्रामे उनको एक खतरनाक चैलेंज मिलने वाला है। बहुत ही कमाल इंसान और एयरवे फैमिली का हिस्सा रही है, इससे बड़ी बात क्या होगी। हम आपकी भरपूर तालियों बुलाते हैं, बहुत रिस्पेक्टेड, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही टैलेंटेड माया खान। आइए आइए, कपड़े भी गुलाबी पहने तो मैं खुद भी गुलाबी गुलाबी होता रहूं, मैं ब्लश करता रहूं। बहुत सी किस मिशन पे निकली हैं आप? क्या रेटिंग से कोई दुश्मनी थी आपकी? यार 18 की रेटिंग कौन मारता है भाई? सब टीम की मेहनत थी और बाकी मैं अल्लाह का बहुत करम था। वाकई यार सो शुक्र है, मायरी इज डूइंग वंडर्स। और एक अच्छी बात यह है कि एक ऐसा शो कि जब जो आने लगे और आवाम उसको एक कंट्रोवर्सी की निगाह से देख रही हो और आते ही वो लोगों में इतनी जल्दी घर कर जाए, आई गेस ये अचीवमेंट थी लोगों ने उस वेरी वेरी ट्रू वो प्रोमो देख के। ऑब्वियसली हमारे पे तो ना कि अगर किसी बूढ़े की बच्ची से शादी कर दो तो मसला उनको, अगर किसी बच्चे की बच्चे से शादी करो तो मसला उनको। तो बॉस हम दिखाना ये नहीं चाहते, उस चीज को प्रमोट नहीं करते हैं। उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वो बताना चाह रहे थे हम। सही बात, हर तरह की सिचुएशन हो सकती है, उसके प्रोस भी हैं कॉन्स भी हैं, दिखाना वो मकसद था। आपकी मायरी की जर्नी कैसी रही? बहुत प्यारी। आपने मायरी देखा? बिल्कुल देखा। मेरा काम देखा? बिल्कुल देखा। क्या आप ही का देखा हमने? नहीं हट रही थी, ये कौन लड़की है? अरे माफ कर दिया मैंने तो मायरी से इसलिए बहुत कुछ सीखा, बिकॉज मैं सबको यही कह रही थी कि भाई मैं समझो मैं नया एक्टर हूँ, मैंने जो किया वो एक और जिंदगी थी, तो मेरे लिए आई एम अ न्यू कमर, बिल्कुल एक फ्रेशर की तरह जो सीखते हैं ना, मैंने वो सीखा कैसे शूट्स हो रही हैं, कैसे टीम्स चल रही हैं, प्रोडक्शन कैसे हो रही है, किस तरह के टाइमिंग्स जो हैं अब हो गए हैं, सुबह 10 बजे से रात 10 बजे के बाद आप आराम से, वो नहीं है कि रात रात देर देर तक कर रहे हैं। और अगर कभी ऐसा कोई सीक्वेंस हुआ भी कि आपको लेट करना पड़ा था तो वो पहले से कम्युनिकेट हो रहा था प्रोफेशनली, इट वॉज सो नाइस टू सी ऑल दैट you know organized happening plus being in an organized way, तो बड़ा मजा आया उस चीज में। अच्छा ये आपका acting comeback था for like more than 15 years back, I guess so, yes, हाँ 15 साल बाद दोबारा वो, क्योंकि भाई होस्ट रहे हैं तो उनका तो ये है कि भाई बगैर स्क्रिप्ट के बोलना है, जब स्क्रिप्ट पर बोलने की बारी है तो फिर बहुत टफ था यार, लाइन याद नहीं हो रही थी ना बहुत मुश्किल से। अच्छा मुझे क्या होता था कि जस्ट याद रखना बहुत जरूरी होता था, डायरेक्टर साहब ये कहते थे कि आप जस्ट याद रख लें, जस्ट क्या है, लेकिन कभी कभार राइटर के लिखे हुए कुछ ऐसे अल्फाज होते थे जो कि एक मैसेज डाल रहे होते थे उस सीन के अंदर, जो हम एज अ समझे एज अ मायरी टीम हम चाहते थे कि लोगों को वो मैसेज जाए, बहुत जगह अटक जाती थी। कभी कभी तो मैं एक दिन तो मुझे आंखों में आंसू आ गई, अल्लाह मुझे क्यों नहीं याद हो रहा, मुझे क्या करूं मैं, किसने मुझ पे जादू तो नहीं करा, जादू तो नहीं करते, नजर तो नहीं लग गए बच्ची को, तो फिर वो लेकिन वो परेशानी हुई, लेकिन फिर उसके बाद होता क्या है आप सारा दिन थक जाते हैं, एंड एट टाइम्स आप जब थक जाते हो तो आपको होता है हाँ चलो थोड़ी देर सुकून का सांस लो। बहुत जगहों पर मेसम भाई ने मारिया वास्ती जी ने मदब का टेक अ डीप ब्रेथ
आराम से रिलैक्स होकर. और हम सारे जितने भी मेरे जिनसे मेरा पाला पड़ा, जैसे कि साद हैं, मारिया वास्ती हैं, ऐना है, ये सारे, ये वो लोग हैं इनकी सबसे ज्यादा सीन्स थे मेरे साथ. तो जब मैं कभी अटकती थी तो वो लोग कहते थे कि रिलैक्स, वी आर विद यू. कभी अगर वो लोग कभी कहीं फंसने लगे तो किसी के चेहरे पे तो आया होगा इसको क्या हो गया, ये क्यों रिएक्ट कर रही होता है. हम एक्टर्स हमारे चेहरों पे आ जाता है आ जाता होगा, लेकिन मैं देखती नहीं थी, मैं अपने उसमें पड़ी रहती थी. हाँ, मैं अपने काम में. एक्चुअली मेरे साथ तो होता भी यही था. मुझे बड़ा मजाक उड़ता था कि मैं अपनी दुनिया में मगन रहती हूँ, मेरे मैं गुम छाऊं तो मुझे पता नहीं दुनिया में क्या हो रहा है. अपने दुनिया में बैठी एकदम से आवाज आएगी, मिस अमर की आएगी या किसी और की आएगी, सुने आया हाँ क्या हुआ, डर क्यों गई. मैं डर नहीं गई, मैं कहीं और थी, एक ट्रांस में थी मैं. हाँ, मैं ट्रांस में थी, मैं अपनी दुनिया में मगन रहती हूँ. मुझे मैं दुनिया में मेरे बहुत सारी ट्रांसमिशन चल रही होती है, इधर एक चैनल चल रहा, दो चैनल चल रहा, मेरे अपने बहुत सारे चैनल चल रहे. जब इंसान इतने सारे चैनल्स में काम कर लेता ना तो फिर अच्छा लड़के भाई देखो है, ये जर्नी इंसान की. पीटीवी सबने स्टार्ट किया, पीटीवी पे एक आपने गेम शो, क्विज शो कहेंगे उसको, पीटीवी पे क्विज शो था यस, क्विज शो था. और मैं उस वक्त स्कूल में थी, आई वाज आई थिंक इन द 5th grade. और उस वक्त एक ड्रामा बना लैला मजनू. अच्छा, लैला फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम नहीं मिल रही थी, तो मैं ना वो एक अक्सर लोगों को बताती हूँ कि मैं ना एक अजीब सा चलता हुआ एक लड़का ही हूँ ना. तो मैं चलता हुआ सामने से गुजर रहा था तो भाई लड़के पे एतराज नहीं, मुझे अजीब से पे एतराज है. हाँ, वो अजीब सा एक लड़का चलते हुए गुजर रहा था. गजन साहब ने कहा वो ये करेगी लैला. अच्छा, मैंने कहा मैं कहाँ से लैला लगती हूँ, मैं तो मजनू लैला तो समझ भी आता है मजनू समझ में आता है, लैला कहाँ से लगती हूँ. उसके बाद में ट्रांसफॉर्म किया गया, मेरे बाल बड़े किए गए, मुझे चलना सिखाया गया, मुझे मेकअप कर बताया गया, शाइन सईद को भेजा गया कि हम तुम्हें एक लड़का भेज रहे हैं उसको लड़की बना के भेजो. लिटरली मेरे साथ बहुत मुश्किल था. पहला सीन था ना तो वो लड़की बड़ी नाजुक से दिखाया है कि चूड़िया और चूड़ीदार पजामे में, और ना गाड़ी से निकलती है और नेट का दुपट्टा उसका होता है, और ना उसका देखिए जो चलना चाहिए था वो कैसे चलना चाहिए था. ठीक है, वो दुपट्टा आता है और उसको चलना चाहिए था यूं करके ना, ऐसे करके, सही है. और अब मैं चल रही हूँ, गाड़ी से उतरी, दरवाजा बन गया मतलब ये किस किस्म की लैला है भाई, ये किस किस्म की लैला है, ये मोबाइल छीनने वाली लैला है नहीं आ रहा. अरे भाई, वो मेरे लिए इसलिए भी मुश्किल था. अच्छा, एक सीन था गोली खाने का, कभी गोली खाई तो रही है मरते कैसे मुझे क्या पता, हम भाई कभी गोली नहीं खाई. बात सही की इन्होंने, वैसे सही बात है. अब कैसे करेंगे गोली खाने का, आप बताइए. नहीं है ना, उसी पर उन्होंने कहा काट. ऐसे नहीं होते, मुझे लगी मैं बताती हूँ कैसे होती है. बहुत मुश्किल था. और मैं ख्वाब में मर रही हूँ और ख्वाब में मुझे गोली लग रही है. अब मैं ख्वाब में भी मतलब ख्वाब में तो बंद ओवर एक्टिंग, ख्वाब में भी नहीं मर सकती. बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था. मूविंग ऑन, मूविंग ऑन. हम जा रहे हैं ब्रेक में, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहे कितना आज हम हो. और वाचिंग द मैच विद यासमो, मेरे साथ मौजूद हैं टैलेंट का खजाना, द वोल्केनो ऑफ टैलेंट, माया खान. ये मुझे कह रहे थे, मुझे आप अपने बारे में कह रहे थे. आपने ढोल बजाया, मैं सोचने लग गया कि मैंने सही गाया कि नहीं गाया. मैं तो ये एक और टैलेंट, वीजे वॉइस ओवर आर्टिस्ट, आरजे होस्ट, एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और ढोल बजाने जब उन्हें स्कॉटलैंड से एक ड्रामा सीरियल की ऑफर आई, अम्मा ने मना नहीं किया था, मैंने मना किया था. किसके कहने पे? खुद से. क्यों, क्या हुआ? क्योंकि उसके 8-10 दिन पहले ही मैं लंदन का एक सीरियल करके आई थी और स्कूल की पढ़ाई बहुत खराब हो रही थी. और अम्मा ने सिर्फ मुझे यूं देखा, पहले जमाने में तो इतना ही बहुत आता था और लैंडलाइन होता था. और मुझे याद है नबील भाई का फोन आया था, अपने बुलबुले वाले नबील भाई. हाँ, तो नबील भाई का फोन आया, अरे स्कॉटलैंड में है, बड़ा मजा आएगा. और तो मैंने कहा नबील भाई अभी लंदन से करके आई हूँ, पढ़ाई खराब हो रही है. तो वो अरे तो कोई बात नहीं, कवर अप कर लेना, बड़ा अच्छा रहेगा. मैं कहा कब जाना है, कह रहे आप सामने अम्मा है, तो कब जाना है. मैंने कहा वो कहने लगे कि बस अगले 15-20 दिन में निकलना है. वेरी गुड. तो मैंने कहा नबील भाई मैं आपको बाद में बताऊं. मैं रख दिया.
फिर मम्मा का कोई इंटरेस्ट नजर आया नहीं। मम्मा ने आंखों से मना किया था, बस आंखें बांध दी थी भाई। क्या समझ रहे हो तुम? वाह वाह, हो गया जी भाई। ओके जी, क्या माया शर्मिंदा हो गई जब उन्होंने, हटाइए, उन्होंने अनवर मकसूद के सामने खवातीन को खवातीनों के ये कौन है भाई, ये कौन है जो रिसर्च कर रहा है? हाय हाय हाय, क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये बताएं। ओए होए 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 होए, ये कौन है? सबसे पहले तो ये हमारे एक हैं, कूडोस जिसने भी ये रिसर्च किया है, मुझे उनका नाम बताएं। नासिर भाई, नासिर भाई छा गए आप। अच्छा जनाब, अवार्ड्स थे, ओके ठीक है, हम असिस्टेंट्स में से थे तो हमने तो छोटे छोटे बच्चे वाला काम करते थे, सेट लगवा रहे, ये कर रहे, कुर्सियां लगवा रहे। तो मुझे याद है कि मुझे उसमें बताया गया कि बेटे तुमने होस्टिंग भी करनी है। अच्छा ठीक है, होस्टिंग भी करनी है। अब इतने लोग सामने, पहला अवार्ड फंक्शन जो एक प्राइवेट चैनल का, एक बहुत बड़ी बात थी यार हमारे लिए। और मैं निका लौंडा, मुझे समझ नहीं आती करना चाहिए, तो मैं, मेरा वो वाला सिनेरियो। अब मुझे उन्होंने पहना दिया दीपक परवानी का ड्रेस। मैं तो कुचोर ना, मैं दीपक भाई के कपड़ों में, मैं इतना कोई जबरदस्त उनका। अच्छा मुझे फॉर सम रीजन दीपक परवानी के कपड़े ना ऐसे आते थे जैसे कि बस मतलब मेरे लिए ही बने, मेरे लिए ही बने, एंड ही जस्ट एग्जैक्टली न्यू व्हाट आई हैड टू वेयर, दैट वाज दीपक भाई ऑलवेज। तो ये स्वीट हार्ट, एनीवे तो वो हमने पहन लिए, चलना मुश्किल ड्रेस में, चाल में आपको वैसे ही बता चुकी हूँ। नर्वसनेस की कोई है, नेक्स्ट ऑर्डर ना, हाईएस्ट ऑर्डर। अच्छा ख्वातीनों हजरात कह दिया, उसके बाद तो जो यहाँ पर हजरात और बहुत सारी ख्वातीनों बैठी हैं, ओए होए होए होए, करते हुए तो अपने अंदाज में मैं लुगत चल रही हूँ ना, फ्लो फ्लो में, फ्लो फ्लो में तो मैं फिरोज लुगात की फूफी फर्स्ट नजर लग रही हूँ मैं, ठीक है। और उसके बाद जब मैं पीछे आई ना, अनवर अंकल अल्लाह उनको सलामत रखे, पीछे आई, खवातीनों खवातीन ही काफी। अच्छा मैं यूं थी बस, क्या तो जमीन खुल जाए, आसमान खुल जाए, कुछ तो मैं गायब हो जाऊं, ये था मेरे साथ। ये बिल्कुल सही बात है, बहुत सच्ची खबर है भाई। वाह वाह वाह, ओके जी, क्या माया के दिल में शौक उठा के वो भी बोटॉक्स करवाएं, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें भगा दिया। अरे कुछ कोई जरूरत नहीं कुछ करने की। मैंने कहा नहीं, सब करवा रहे, मैंने भी करना है ना, मेरा भी दिल है। उस वक्त तो बिल्कुल नया मेरा भी दिल चाह रहा था ना कि मैं भी कुछ करवाऊं। नहीं, भगा दिया उन्होंने मुझे। अच्छी बात है, भगा दिया डॉक्टर साहब ने। और उसके बाद फिर आपने अपना माइंड चेंज किया, या अब दोबारा कैंप कहीं जाऊंगी तो मैं? नहीं देखिए, बोटॉक्स फिलर्स अगर जरूरत है, आपको जरूरत पड़े आपको जरूर करवाना चाहिए। देखिए बिल्कुल मेकअप, आज ये बिल्कुल एक मेकअप की तरह है। अगर आपको लगता है कि हाँ, जिस तरह मैंने वेट लॉस किया तो मुझे, मेरे आर्म्स जो हैं बहुत ज्यादा जो हैं वो लूज हुई है स्किन, राइट, तो मुझे पता है मैं उसके लिए क्या करना है, मुझे पता है मैं आर्म्स लगाऊंगी, मशीन लगाऊंगी और वो ठीक हो जाएगा। जो चीज आपकी ब्यूटी को फेक से नहीं बल्कि एनहांस करे, तो व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, of course everybody has a right। kya maya par kuch log jumlebazi karte hain, hataiye, mota hone par hooting ki to wo patla hone par toka gaya, ha ye hamari awam to kisi cheez pe khush nahi hai। i am who i am, agar aapko main waisi achhi nahi lagti to that is your problem, not mine। bahut hi acche, to आप अपने इलाज कराए, थैंक यू। क्या माया ड्रामा, एक बार फिर, एक सेकंड, कैसे कैसे कैसे, तो आप अपने इलाज कराए, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आई लव दैट। ओके जी, क्या माया ड्रामा, मायरी का तो एक किरदार है मगर उनका नाम छोटा करके उन्हें माई भी कहा जाता है। अरे
अच्छा ये कैसे पता चला? ये जिन्होंने किया उन्होंने बताया। अरे कौन है मुझे मिलवा दो भाई। माई, माया का माई। वाह। हाँ, मेरे घर में मेरे निकनेम्स बहुत सारे हैं। कौन कौन से? इसमें कुकू है, बाला है। बाला? बाला, बाला। और वो बाला सॉन्ग से कई साल पहले, साल बाला, मेरा नाम बाला था। वेरी गुड, ठीक है, अच्छा मेटाफोर यूज़ किया। अच्छा अच्छा ना। तो अब वो जो उसके अलावा है माई, मेयू और मायो। घर में कितने फर्द है आपके? माशाल्लाह हम जॉइंट फैमिली सिस्टम की और आज हैं, जिसके जो मुंह में आता है वो बोलता है। आपको पता नहीं जॉइंट फैमिली में कैसे कैसे नाम रखे जाते हैं, जिन जो है ना जॉइंट फैमिली वाले, सोच है आपकी, उन्हें पता ही है। यूट्यूब हम तकरीबन तकरीबन ना somehow the other exactly बस रख दूं। हां आप रख दें, आपकी एग्जाम हो गया, आप पास। सर मैं पास हूं। फ्लाइंग कलर से पास होंगे और फ्लाइंग कलर है पिंक। हम जा रहे हैं ब्रेक में, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहेंगे जनाब जी आजम। वेलकम बैक टू ब्रेक और व्हाट इज नाइस विद आजम, मेरे साथ मौजूद हैं मायरी मायरी माई मायो मेओ माऊ माऊ माया खान। मायरी के बाद माये की जिंदगी में क्या तब्दीलियां आई, क्या चेंज? मायरी के करने के बाद ओके, अभी तो प्रोसेस से हम गुजर ही रहे हैं। हाँ। कि मायरी अभी तो ट्रांजिशन फेज, अभी तो वो ट्रांजिशन फेज है कि वो हम उससे निकलते निकलते उसमें टाइम लगेगा। लेकिन हाँ, ट्रांजिशन फेज में एक चीज बड़ी क्लियर हो गई है कि एक किरदार जो कि बिल्कुल पर्सनालिटी से बरक्स था, बिल्कुल रियलिटी जो मेरी है उससे बिल्कुल अलग था, चैलेंज था, वो सब चीजें बरतरफ। लेकिन जो एक मैंने जो आयशा बनी, मुझे आयशा से निकलना है, आयशा से निकल कर माया की स्किन में वापस आकर फिर किसी और के अवतार में जाना। ओके, ये एक तो आयशा अंदर के रच बस गई है। नहीं नहीं, निकल जाएगी। हाँ, बड़े बड़े निकल गए आयशा के। तो मतलब वो वाली बात कहने का मकसद ये था कि अगर मैं उससे आयशा से नहीं निकली तो मैं एक टाइप कास्ट बन जाऊंगी। हाँ। और मुझे वो नहीं बनना। अब वही ना कि अगला क्या, अगला क्या, अगला क्या, अगला वही कुछ है, कुछ आ रहा है, कुछ समथिंग, बहुत कुछ है। अच्छा? बहुत कुछ है। आयशा से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग, बिल्कुल अलग है। माया के करीब गैंगस्टर टाइप है कुछ। क्या बात है, कैसे पकड़ा आपने? आपने नाम ऐसा लिया था। हाँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, मैडम चाहे तो कुछ आप करते हैं, कुछ डाकू हसीना टाइप है ना, ऐसा होना चाहिए। नहीं यार, यार एक मिनट, हम क्यों नहीं बनाते इस तरह के प्रोजेक्ट्स? आपके जहन में कभी आया तो मुझे बताइएगा, दोनों भाई मिलके बना लेंगे। प्रोड्यूसर है कोई आपके पास? अरे कोई नहीं, दोनों चंदा लेके बना लेंगे भाई, ऐसा बस चाहिए, बस डन हो गया, टेंशन की क्या बात है। डोनेशन फर्स्ट प्लीज। मैं शुरू कर रहा हूं, हम अच्छा कंटेंट बनाने जा रहे हैं और क्या। डोनेशन प्लीज, डोनेशन प्लीज। यस ओके जी, हम अब पावर प्ले खेलने जा रहे हैं, तेज तेज बॉल में अपने तेज तेज छक्के मारने हैं। okay. अगर किसी का राज आपको पता चल जाए तो क्या करती हैं? खामोश रहती हैं या पेट में मरोड़ होने लगती है? 24 घंटे के अंदर भूल जाती हूं। ना करें, आई स्वेयर अपॉन गॉड, मैं सबसे सेफ हूं राज बताने के लिए। आज राज बताए, कल पूछे होंगे कौन सी बात। ओके जी, यह है माया गजनी। ओके कंटिन्यू। ओके, आप अपने तमाम दोस्तों में सबसे ज्यादा किसकी तारीफ करती हैं या किस बात पे करती हैं? दोस्तों में होता ना एक, हाँ दोस्तों में बहुत करीब करीब हैं, उनकी वफादारी की तारीफ करती हूँ कि इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरे साथ है। अच्छी बात। ऐसी क्या चीज है जिसे एक हफ्ते तक खा सकती हैं डेली? एक हफ्ते तक डेली खा सकती हूँ, वो है शुगर फ्री आइसक्रीम जो मैंने अभी रिसेंटली एक्सप्लोर की है। ओह माय गॉड, अच्छा चॉकलेट। टोटल पूरे जार में 270 कैलोरीज, दैट इज इट। कौन सा स्टीम भाई, बॉस बताऊंगी मैं आपको। करते करते ओके जी, जल्दी सारे बता दो। जिस गली में आप पली बड़ी हैं उसका नाम क्या है? गली नहीं, मेन रोड, 13D गुलशन इकबाल, गुलशन हाइट। ये वसीमबा। थोड़ा पीछे, हां थोड़ा पीछे। ओके जी, बार बार पूछा जाने वाला कौन सा सवाल है जो आपको बेजार कर देता है आजकल? वजन कैसे कम किया आपने? मैं आवाज से लगा रहा हूँ पूछने वाली कैसी। ओके, अगर आपके पास उड़ने वाली पावर आ जाए तो आप कहाँ कहाँ जाएंगी?
दुनिया का कोना नहीं छोड़ना मैंने, पूरी दुनिया घूमने का शौक है बगैर पैसे खर्च किए। ज्यादा टेंशन तो ये होगी कि ट्रैवलिंग पहले बहुत महंगी होगी ना, एक तो वीजा का मसला। हाँ, हम माशाल्लाह पाकिस्तानियों के वीजा नहीं लगते। जी हाँ, लग भी जाए टिकट बहुत महंगे, टिकट बहुत महंगे, बहुत महंगे बॉस। मतलब आज प्लान करो तो 5 साल बाद का मिलेगा। ओके जी, बचपन में वालदैन किस नाम से पुकारते थे? नहीं 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 बताऊंगी, नहीं ये वायरल हो जाएगा, नहीं बताऊंगी। क्यों, खतरनाक नाम था कोई? नहीं, उस पसंद नहीं है मुझे वो नाम। अच्छा ओके, आगे बढ़ गया। अगर जादू आता तो ये यहाँ तक के वो नाम, अगर मैं कभी राबी सेंटर में ईद की शॉपिंग भी कर रही होती अपनी अम्मा और हाँ। बहनों के साथ, वो नाम लेती कि वो कहाँ है, तो मैं खुद भी पलट जाती, कहाँ है कहाँ गई किस एज तक इस नाम से मुखातिब किया गया आपको? यार हद हो गई, बड़ी मुश्किल से 5-6 साल तक पहले तक रोका है मैंने। मैंने कहा अल्लाह के वास्ते यार ना लिया कर। ठीक है हाँ। ओके, अगर आपको जादू आता तो ये आप किसको बनाती? शेर? अपनी भाभी को। भाभी को शेर बना देती? क्यों, भाई से कोई पंगा आपका? बहुत मासूम है छोटी वाली। अच्छा हाँ, अल्लाह में ही गाय है वो, शेर बना देती। मैं चाहती हूँ उनको शेर बना। ओके जी, लोमड़ी? लोमड़ी में किसको बनाती? नहीं, लोमड़ी में किसी को ना बनाती। क्यों? लोमड़ी तेज होती है, तेज लोगों से बचना चाहिए। मक्खी? मक्खी में क्यों बनाती किसी? भाई आपके पास जादू है। मेरे पास जादू है? आप बदले ले रही है? मैं बदले ले रही हूँ। मैं उन तमाम लोगों को मक्खी बना देती जो सोशल मीडिया पे मुझे इनबॉक्स करके समर का नंबर मांगते हैं। पागल मुझसे मांगो ओके जी छोड़ दे। आखिरी बार कब ऐसा हुआ कि जब रात भर नींद नहीं आई और करवटें बदलती रही? करवटें बदलती रही अक्सर होता है ना? हाँ हाँ, अक्सर होता है। इंसोमनिया हम आदि आर्टिस्ट ब्रादरी को है, आर्टिस्ट ब्रादरी को है। अगर कोई चीज कैरेक्टर फंसा हुआ हो, कोई सीन फंसा हुआ हो, 10,000 चीज चल रही होती है, 10,000 चीजें, चेक फंसा हुआ हो, चेक, आपके ख्याल तो आदत सी हो गई है भाई आदत सी हो गई है। वीरान जजीरे पर किसके साथ रहना पसंद करेंगी? अपने साथ। मीरा या ताहिर शाह? अपने साथ, अकेले अकेले। I am my best company. अपनी कौन सी एक आदत आप कभी भी बदलना नहीं चाहेंगी? एतबार करना लोगों। नहीं, नहीं बदलना चाहे कितनी चोट लग जाए। ये होता है जब आप अंदर से खूबसूरत होते हैं ना, तो कहते हैं अगर किसी ने कुछ बुरा किया तो वो उसका जर्फ। हम नहीं पता खूबसूरत हूँ कि नहीं, बट ये पता है कि अगर मेरे साथ कोई धोखा करेगा वो नुकसान तो अपना करेगा, लेकिन मैं अपनी अच्छाई कैसे छोड़ दूँ। वाह वाह, क्या सोशल मीडिया के बगैर दुनिया एक बेहतरीन जगह है? आज की नहीं, नहीं? पहले हाँ, आज की इसलिए नहीं क्योंकि हर चीज का अच्छा और बुरा इस्तेमाल हो सकता है, हर चीज को अच्छे और बुरे तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। वही सोशल मीडिया आपकी और मुझ तक अच्छी चीजें और रेसिपीज भी भेजता है, वही सोशल मीडिया आप तक मुझ तक फैशन क्या चल रहा है वो बताता है, लेकिन वही सोशल मीडिया आपकी और मेरे सामने देखता है कि वो लोग जो शायद अपनी जिंदगी में बहुत डिप्रेस हो, लेकिन वो एक झूठ की दुनिया अपने इर्द गिर्द बनाकर दुनिया को दिखाना चाहते हैं, वो नुकसान उनका है। और फिर वो जो कॉम्प्लेक्स दूसरों को देता है कि काश हमारे पास भी ये होता, ये गलत। कौन सा गाना बचपन याद दिलाता है? नॉस्टैल्जिक कोई होगा? बहुत सारे। कौन से? बहुत सारे, मेरे वीजे वाले टाइम्स में, बिकॉज मैं उस वक्त वीजे थी और मैं अपने स्कूल कॉलेज के मिक्स टाइम में रही, और स्कूल से कॉलेज सारा वो टाइम जब मैं वीजे करती थी, तो यही हुआ। पिछले दिनों भी मेरी मुलाकात अली हमजा से, जो नूरी बैंड हुई, नूरी नूरी बैंड से, और अली हमजा से, और फैसल भाई से हुई, एक इवेंट था मनवारे वाला टाइम। हाँ, तो वो ये लोग मुझे पहचाने नहीं ना, तो अली हमजा, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, मैंने कहा सीरियसली, कह रहे आप बिल्कुल नहीं पहचानी जा रही हो तुम। एंड देन फैसल भाई वाज लाइक, ओह माय गॉड, वो मतलब वो मतलब मैं कहा मतलब क्या हो गया, तो इस तरह की सीन थे वो सारे गाने। मुझे मतलब सर की है ये पहाड़ हो गया, तन्हाई में चैन ना, ऑल दो सॉन्ग्स आई स्टिल रिमेंबर, दो सॉन्ग्स मुझे मिलते नहीं है कहीं, इसलिए मैं अक्सर वैसी गाली होती हूँ। हम आपको बताएंगे कि लिंक भेजेंगे, उसमें सारे गाने हैं। है? सच में? मुझे भेजो लिंक, भेजो मुझे टिपिकल पाकिस्तानी मसला भाई। नहीं है परिवार? हाँ हाँ है, टेंशन में। अच्छा भाई,
माया जी, हम यहाँ पे एक सेगमेंट क्योंकि खत्म होने जा रहा है, तो आप हमारी यू नो मेंटोर रही हैं, हमने देखा है आपको होस्टिंग करते हुए, हम चाहेंगे कि ये ब्रेक आप लें प्लीज। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आप इस वक्त बहुत ही अमेजिंग शो देख रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बहुत कुछ और अमेजिंग आप मिस ना करें, तो इस ब्रेक के बाद हमारे साथ जरूर। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नेचुरल रियासम, मेरे साथ मौजूद हैं माया खान। कोई माओ माओ म्याओ म्याओ नहीं कर रहा मैं, डैडी मेहरबानी। अच्छा वैसे आपका फेवरेट निकनेम क्या है, जो किसी दोस्त ने कभी दिया हो कुछ? कोई माया खुद ने चार अल्फाबेट्स का तो नाम है, और क्या उसको कितना छोटा करोगे? कितना मतलब मैं माया मोए आया मतलब क्या सीरियसली? ओके जी, अगला जो गेम खेलने लगे हैं, आपके कुछ दोस्त हैं, कुछ कलीग्स हैं, आपने उनकी पर्सनल हरकत और सकनात को मद्देनजर रखते हुए पासवर्ड गेस करना है। ओके ठीक है, फैसल कुरैशी उनका पासवर्ड क्या होगा? मैं हूं डॉन। मैं हूं डॉन? इतना मासूम डॉन? हां ही इज अ क्यूटी बॉय ना। शाइस्ता वाहिदी, सुई लगाऊंगी। डॉक्टर है ना? हां हां मैं समझ गया था बॉस। हां ओके जी, हुमायूं सईद। हुमायूं सईद अभी तो मैं जवान हूँ। ओके है ना, वेरी गुड। निदा यासिर, रोक सको तो रोक लो, मैं रोज सुबह आऊंगी। फहद मुस्तफा। फहद मुस्तफा, स्काई इज द लिमिट। स्काई इज द लिमिट, वाकई। मारिया वासी, आजाद आत्मा। चुटकी के साथ इनवर्टेड कॉमा चाहिए। आजाद आत्मा, आजाद आत्मा। ओके जी, नुमान एजाज। नुमान एजाज, सब अच्छा। Chelsea. Chelsea. Good. Amna Malik. Amna Malik. Hari Mirch. Okay, ji. Ayan Asif. Gajani. Apna makeup bhul jayegi. Apne bag bhul jayegi. Apne joote bhul jayegi. Phone bhul jayegi. Tar bhul jayegi. Sab kuch bhul jayegi. To Ayan hona chahiye. Main bhul jati hu. Uska password ye forget password. Nahi, nahi, ek aur bhi hai. Doctor main kaha hu. डॉक्टर में काम। ओके वेरी गुड। माया जी, ये तो बहुत अच्छा खेल लिया आपने। अब कुछ तस्वीरें आएंगी आपके सामने, इन चीजों के नाम अगर आपको रखने होते तो क्या होता? लगाए पहली तस्वीर, इसका अगर नाम होता तो क्या होता? आपने रखना है, आपको ये चीज दिखा दी, इसका कोई नाम नहीं है। डिडोंग। टडोंग। डिडोंग। वेरी गुड। अगला चिप्पी किक। गुड चिप्पी किक। अगला क्या? स्पेलिंग बता दे भाई, प्रिंट करवाना होगा ना यार। SSGGPLLT। बच्चा कीबोर्ड पे नहीं हाथ लगा देता। ओके जी, अगला। ओए जी, द इडियट बॉक्स। पिंग पिंग, टीवी ऑन हो तो। So creative boss. अगला यार ये तो ला 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 ये लगाऊंगे ये लगाऊंगे ये लगाऊंगे ये लगाऊंगे उर्दू में होगा ना, अकड़ बकड़ अकड़ बकड़ ला 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 ला। ओके जी, अगला। अच्छा जी, आहा खरिश खरिश खरिश, इसमें और खारिश में थोड़ा सा फर्क है बॉस, एक आर कम है इसमें, और आप चाहें तो खारिज भी कर सकते हैं। अभी अगला। हाँ हाँ, डॉ डॉ डॉ, अगर लग जाए तो डॉ की आवाज आती है भैया जी। डॉ। अगला अभी खेले से बचपन में। ओ पो, हम तो पुल के इस पार वाले, हम नहीं तो खेले हैं। आप तो पुल के उस पार वाले हैं जी। अगला डॉक्टर कह रहे कितना जी आपको लगेगी। इतने अच्छे नाम आज तक किसी ने नहीं रखे, अल्लाह की कसम। मैं स्टैंडिंग ओवेशन देना चाहता हूं माया खान जी को। वाकई यार वेरी क्रिएटिव, थैंक यू। असल लोग फंस जाते, क्या नाम रखे भाई, रख दो कुछ भी रखना आपका है और क्या। वेरी गुड यार, थैंक यू सर, वी आर इंप्रेस्ड भाई। वो बड़ी वाली जो शील्ड रखी हुई है ना, वो फेंक दो। नहीं नहीं नहीं, ले आओ, देनी भाई। ओके जी, थैंक यू सर, पूरा शो तो आपने अच्छा कर लिया। अब है चैलेंज, मायरी में लोगों ने आपकी एक्टिंग देख ली है, होस्टिंग पूरी दुनिया देख चुकी है, हम आपकी सिंगिंग दिखाना चाहते हैं दुनिया को। आपने हेडफोन पहनने हैं,
कुछ गाने हम बजाएंगे आपके कान में। ये कब आया? ये जादू से लटकी गया लड़का, आपको पता भी नहीं चला। हाँ। तो कुछ गाने बजेंगे ओके आपके कान में और आपने साथ साथ गुनगुनाने हैं। ओके नथिंग स्पेशल। ओके ठीक है जी। ओके एक नशा है तिल का नशा है नुकी आँख में एक नशा है कालों पे उसके तिल का नशा है पिक पर उसकी ओ दिल ले लिया है के दिल बोले बोले ये हो गया भाई वैसे हो गया। ये जब तारीख अमीन मनीज ना में बहुत चला हो गया बेइज्जती हो गई मेरी। नहीं 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 अभी तो पहले बाकी है। अरे अभी तो पहला था। ओके जी बस भाई बस ज्यादा बात नहीं चीफ साहब आज के बाद मुलाकात नहीं चीफ साहब बस भाई बस बाजा बात नहीं चीफ साहब आज के बाद मुलाकात नहीं चीफ साहब मीटर के होते हुए देर नहीं लगती मीटर होते हुए देर नहीं लगती मीटर घूमते हुए देर नहीं लगती बस भाई बस बस भाई बस बस भाई बस ज्यादा बात नहीं चीफ साहब आज के बाद मुलाकात नहीं चीफ साहब। यार वेरी गुड भैया ये लिरिक्स के साथ क्या किया आपने? ऐसी की तैसी। अगला गाना से मिटे फिर दूरियां हम मुंतजर तुम भी खबर दोनों की है मजबूरियां नाराज तुम नाराज हम कैसे मिटे फिर दूरियां हम मुंतजर तुम बेखबर दोनों की है मजबूरियां। वाह क्या प्यारे गाने थे यार ये। कुछ का है अपना का घर कभी सामना ये तो मेरे चेहरे को जरा गौर से देखना और गौर से देखना और फिर सोचना क्या बात थी क्या सुनी सदा। हो गया वेरी गुड माया जी। और कितने इंप्रेस करेंगे यार आप? मैं चाहती हूँ पूरा इंप्रेस करके जाओ यहाँ से पूरी इंप्रेस मार्केट करके जाओ। मैं पास हो गई सर। पास हो गई हैं आप और हम चाहेंगे जाने से पहले अपने फैंस को कुछ मायरी के बारे में टीज करना चाहेंगे क्या देखने को मिल सकता है हमें। आप ये दुआ कीजिएगा कि जो जो हमारे मायरी के फैंस हैं जो इन्होंने पसंद किया ये दुआ कीजिएगा कि आइंदा जो भी काम करें हम वो मायरी से एक स्टेप अप हो और बेहतर काम हो। अच्छा बुरा देखें डायरेक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी 500 सीन्स में अगर 150 सीन्स में आप अच्छे नहीं भी लग रहे ना तो इट्स ओके सो इट इज ओके। कभी कोई अच्छा लगता है कभी नहीं भी लगता है लेकिन मेहनत पे शक ना किया करें बस मेहनत के लिए दुआ कीजिए अल्लाह ताला मेहनत में बरकत दे। थैंक यू सो मच। और जिन्होंने मायरी में आपको पसंद किया उनसे क्या कहना चाहेंगी? थैंक यू सो मच जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मेरे पास अल्फाज ही नहीं है कि मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा कर सकूँ। आई एम सुपर ग्रेटफुल ऊपर वाले ने मुझे मेरी औकात से बहुत ज्यादा नवाज दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आप आई आपने कारखान लगाया इट वॉज वन ऑफ माई फेवरेट एपिसोड जो मैंने अब तक रिकॉर्ड किए हैं। मुझे बहुत मैंने थॉरली एंजॉय किया। आपकी प्रेजेंस ने हमें ना और वो चेरिश कर दिया। आपकी पॉजिटिव वाइब्स ने हमें लाइकवाइज आयाज आई दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव मेट यू। नो 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 व्हेयर डिड आई मीट यू बिफोर? मैं आपके शो में बहुत दफा आ चुका हूं। ना करें जी तब मेरी शेप भी नहीं थी। अल्लाह मेरी भी नहीं थी। ओके चिल्ला दी बात क्या मिल रहा है आप अगले एपिसोड में तब तक ख्याल रखिएगा। आया समझ आ गया। We'll be right back.